आलिया ने अपने कमरे की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, ये मेरे रूम की लाइट कैसे ऑन है? मैं तो जब भी निकलती हूँ डोर लॉक करके निकलती हूँ, लाइट्स भी ऑफ कर देती हूँ, फिर ये मेरे रूम का दरवाजा खोला कैसे रह गया? आई थिंक मैं ही जल्दी जल्दी में भूल गई। आलिया चुपचाप अपने रूम का गेट खोलती है और सामने इतनी अच्छी डेकोरेशन के साथ मिहिर को सोता देखकर आलिया इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि आलिया की आंखों में मिहिर ने डायमंड की एक रिंग अपनी जेब से निकाली और उसे आलिया को देते हुए कहा, यह रहा तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट। आलिया ने मिहिर के हाथ से रिंग का बॉक्स लिया और उसे निकालकर देखते हुए कहा, वाओ, दिस रिंग इज सो प्रिटी। आलिया को खुश देखकर मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आओ अब केक कट करते हैं और पता है मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। आलिया ने मिहिर की बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाई, बट मैंने तुम्हारा फेवरेट पनीर फ्राइड राइस बनाया है, टेस्ट करके बताओ कैसा बना। आलिया मिहिर का हाथ पकड़ती है और उसे टेबल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। मिहिर ने फ्राइड राइस का बाइट लेते हुए कहा, दिस इज सो डिलीशियस वाइफी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है यार। आलिया मिहिर की बात सुनकर मुस्कुराई और दोनों ने एक साथ केक कट किया और एक दूसरे को केक खिलाया। आलिया और मिहिर ने बैठकर काफी सारी बातें की। बातें करते करते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। फिर मिहिर की नजर घड़ी पर पड़ी और मिहिर एकदम से चिल्लाया, ओ शिट। मिहिर को इस तरह से चिल्लाते देखकर आलिया डर गई और मिहिर की तरफ देखकर चौंकते हुए बोली, व्हाट हैपेंड मिहिर? मिहिर ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे देखो यार सुबह के 4 बज रहे हैं और हम दोनों अभी भी एक दूसरे से बातें करने में बिजी हैं। आई थिंक अब हमें सो जाना चाहिए। आलिया ने मिहिर के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, क्या यार तुम इस तरह से चिल्लाई कि मैं डर गई, पता है ऐसा मत किया करो वरना किसी दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। आलिया की बात सुनकर मिहिर भी हंसने लगता है और तभी चेयर से उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। उसी टाइम आलिया ने मिहिर का हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए कहा, आज हमारी एंगेजमेंट को 1 साल हो गया है और हमारे बीच की काफी सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं और हम एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करते हैं, तो तुम यहीं मेरे बेड पर क्यों नहीं सो जाते? मिहिर ने आलिया की बात सुनकर हां में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वैसे भी इतना बड़ा बेड है और तुम इतनी दुबली पतली सी हो, आराम से मैं तुम्हारे बगल में सो जाऊंगा। दोनों बेड की एक एक साइड पर लेट जाते हैं। तभी मिहिर एक पिलो उठाता है और उसे अपनी और आलिया के बीच में रखते हुए बोला, गुड नाइट माय डियर वाइफी। आलिया ने मुस्कुराते हुए मिहिर की तरफ देखा और कुछ नहीं बोली। मिहिर और आलिया दोनों ही काफी ज्यादा थके हुए हैं और उन्होंने काफी सारी बातें भी कर डाली हैं, तो उन्हें सोने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। दोनों कुछ ही देर में सो जाते हैं और इतनी देर तक जगने के बाद सुबह दोनों में से किसी की भी आंख नहीं खुलती और वो दोनों सोते ही रह जाते हैं, जिस वजह से मिहिर अगले दिन यूनिवर्सिटी नहीं जा पाता है और आलिया का ऑफिस भी मिस हो जाता है। अगले दिन
बिष्ट ग्रुप का ऑफिस। इतने दिनों से टी हाउस बिजनेस अभी भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है और उसकी सारी जिम्मेदारी अभी भी मार्केटिंग मैनेजर ललित खन्ना पर है। फिर भी निखिल ने पिछले दिनों में उसे दोबारा नहीं डांटा और इसलिए एक बार को ललित को लगने लगा कि निखिल ने वो सब सिर्फ उसे गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया, इसलिए वो निखिल की बातों को सीरियसली नहीं लेता। इसलिए कल जब उसे तन्मय सहाय का फोन आया और वो उसे मिलने गया, उसके बाद से ही ललित का दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि वहां से आने के बाद ही उसे अल्टीमेटम मिला और उसके सिर्फ एक हफ्ते के वक्त में अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। इसलिए ललित ने आखिरकार तन्मय का ऑफर मानते हुए उस पर काम करने की सोची और अगली सुबह वो भी टी हाउस गया और अपनी मदद के लिए वहां किसी को ढूंढने लगा। ललित वहां ब्लैक माउंटेन टी बनाने वाले कुक से मिला, जो दिखने में थोड़ा मोटा है और बहुत आलसी भी, इसलिए सब उसे मोटू कहकर बुलाते हैं। ललित अक्सर टी हाउस आता जाता रहता है वहां के सेल्स और बिजनेस को चेक करने के लिए, इसलिए कोई भी ललित को यहां से वहां आने जाने में नहीं रोकता और सब उसे अच्छी तरह पहचानते हैं। ललित को अपने काम के लिए मोटू ही सबसे सही लगा, क्योंकि मेन इंचार्ज वही है और सारी चाय वही बनाता है। ललित ने मोटू के पास जाकर उससे कहा, मोटू आप यहां पर काम करके कितना पैसा कमा लेते हैं? मोटू ने चापलूसी करते हुए कहा, आपको तो पता ही है सर, आप ही तो हमारे मालिक हैं। ललित ने कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, हाँ मुझे ये पता है, लेकिन तुम्हारा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें हटाकर किसी और को काम पर। ललित की ये बात सुनकर मोटू घबराते हुए बोला, अरे नहीं नहीं मालिक, आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई है क्या? हम ये चाय अच्छी तरह से नहीं बना रहे हैं क्या? ललित ने एकदम सीरियस होकर कहा, हाँ बिल्कुल कुछ तो गलत कर ही रहे हो, इसलिए ही तो कोई भी हमारी चाय पीने नहीं आ रहा है और हमें बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है। मोटू ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए ललित से कहा, अरे लेकिन हम तो बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसा हमको कहा गया है, अब अगर ज्यादा लोग नहीं आ रहे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमको काम से मत निकालिए मालिक। मोटू को इस तरह से डरा हुआ देखकर ललित ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें काम से नहीं निकालूंगा अगर तुम मेरा एक काम करोगे। मोटू ने अपनी नौकरी बचाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे हम तो आपका काम करने के लिए ही यहां पर हैं। मोटू को इस तरह देखकर ललित ने अपनी जेब से वो कांच की शीशी निकाली जिसमें छोटी नीले रंग की गोलियां हैं और तन्मय सहाय ने उसे वो शीशी दी थी। तभी ललित ने आसपास देखते हुए मोटू को वो शीशी देते हुए कहा, ठीक है अगर तुम अपनी नौकरी और ये बिजनेस दोनों बचाना चाहते हो तो फिर इनमें से एक छोटी गोली चाय बनाते हुए डाल देना, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे अलावा किसी और को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए, समझे? ललित की यह बात सुनकर मोटू का दिमाग ठनका। वो सिर्फ देखने में मोटा है लेकिन उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, और ललित उससे इस तरह धीमी आवाज में और अकेले में बात कर रहा है, इसलिए मोटू समझ जाता है कि यह जरूर कोई गलत काम है और वो अपनी नौकरी बचाने के लिए कोई गलत काम नहीं करना चाहता। ललित खन्ना की पूरी बात सुनकर मोटू चिल्लाते हुए बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है इन गोलियों में कोई मर जाए। मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी और की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, इसलिए अपने इस काम के लिए आपको किसी और से बात करनी चाहिए। मोटू के इस तरह चिल्लाने पर ललित ने जल्दी से घबरा कर अपने चारों तरफ देखा और वहां पर वो दोनों अकेले हैं, और उसके इतनी तेज बोलने पर भी किसी और ने उन दोनों की बात नहीं सुनी है। ये देखकर ललित ने राहत की सांस ली। मोटू को चुप रहने का इशारा करते हुए ललित बोला, क्या कर रहे हो तुम? इतना तेज चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मोटू घबराते हुए बोला, इसका मतलब जरूर ये गलत काम है और ये गोलियां नुकसानदायक भी हैं। ललित ने मोटू को और साइड में ले जाकर समझाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये गोलियां सिर्फ चाय के स्वाद को कड़वा कर देंगी और कुछ नहीं, इसके अलावा इनसे और कोई भी नुकसान नहीं है, साथ ही तुम्हारे ऊपर कोई भी शक नहीं जाएगा, समझे? मोटू ललित की बात सुन रहा है लेकिन अभी भी वो उस काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो ललित ने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, देखो तुम यहां पर मेन इंचार्ज हो, इसलिए मैंने सबसे पहले तुमसे बात की, लेकिन अगर अभी भी तुम ये काम नहीं करना चाहते तो फिर मुझे किसी और को ढूंढना होगा। मोटू ये काम करने में पहले थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन जब उसने ललित के हाथ में वो नोटों की गड्डी देखी तो उसने जल्दी से उसके हाथ से वो पैसे ले लिए और कहा, ठीक है जब इसमें कोई भी नुकसान नहीं है तो फिर मैं ये करूंगा, आपको किसी और को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है।
मोटू की बात सुनकर ललित ने राहत की सांस ली और नोटों की गड्डी के साथ वो कांच की शीशी भी उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, इस पूरे काम के मैं तुम्हें 20,000 दूंगा, ये 10,000 है और बाकी के 10,000 मैं तुम्हें बाद में काम पूरा होने पर दूंगा। मोटू ने वो दोनों चीजें लेकर जल्दी से अपने पास रख ली और उसे वो दोनों चीजें देने के बाद ललित ने उसे अच्छी तरह गोलियां और मिनरल वाटर चाय में मिलाने का अनुपात समझा दिया और मोटू ने वो सब कुछ अच्छी तरह से समझ भी लिया। उसके बाद ललित वहां से वापस आ गया। अगले 2 दिन ललित को टी हाउस के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली और इस बीच इंतजार करना उसे बहुत ही भारी काम लग रहा है। 3रे दिन ललित के पास मोटू का फोन आता है और वो उसे सीधे जल्दी से टी हाउस आने के लिए बुलाता है। 3रे दिन ललित टी हाउस पहुंचा और मोटू पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। ललित को देखते हुए मोटू उसके पास आया और घबराते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ललित ने अपने चारों ओर देखते हुए पूछा, अरे ऐसा क्या हुआ है जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकते थे, और इस तरह से भागकर मेरे पास क्यों आए हो? इतना बोलते हुए ललित ने हमेशा की तरह अपने आसपास चारों तरफ देखा और वहां पर किसी ने भी उन दोनों को इस तरह से बातें करते नोटिस नहीं किया, इसलिए वो मोटू को अपने साथ अपने ऑफिस केबिन में ले आया और फिर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। ललित ने मोटू की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ अब बताओ क्या बात है, तुम इतना घबराए हुए क्यों? तो क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।